क्लास उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। क्लास आज आपकी मैथ्स की क्लास है, जिसके अंदर हम कर रहे थे चैप्टर सेकंड का हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास ओपन है पेज नंबर 20। इस क्लास से जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है जंपिंग एनिमल्स। ठीक है, जंपिंग एनिमल्स, जंप मीन्स होता है कूदना। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ह्यूज स्नेक है, यानी कि एक बड़ा सा स्नेक है। हालांकि यहाँ पर इसका मोटिव स्नेक शो करना नहीं है, इस स्नेक के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स के थ्रू ये लोग हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थ्री एनिमल्स हैं। ठीक है, स्नेक के अलावा एक है गबरू, जो कि आई थिंक एक बियर है। नेक्स्ट है आपका बनी, जो कि रैबिट है। एंड द लास्ट वन इज तारू। तारू जो है वो एक मेंढक की टॉर्टोइज है। अब यहाँ पर जो है आपके ये जंपिंग एनिमल्स हैं, और ये अलग अलग नंबर्स पर खड़े हुए हैं, जैसे कि गबरू गबरू है नंबर 90 पर, एंड द बनी इज ऑन नंबर 99, और जो तारू है वो है 106 पर। अब इससे रिलेटेड उन्होंने एक कुछ बातें लिखी हुई जो कि नीचे लिखी हुई, चलिए उनको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वो क्लास यहाँ पर लिखा हुआ है गबरू बनी एंड तारू आर जंपिंग ऑल द वे। ठीक है, गबरू बनी और तारू जो है वो जंप कर रहे हैं। गबरू जंप्स ऑन एवरी सेवंथ बुक्स। ये कह रहे हैं कि जो गबरू है, यानी कि वो जो डियर है, वो हर सातवें डिब्बे के ऊपर, सातवें नंबर के ऊपर जो है जंप करता है। बनी ऑन एवरी फिफ्थ बॉक्स, और जो बनी रैबिट है वो हर फिफ्थ बॉक्स के ऊपर जंप करता है। तारू ऑन एवरी फोर्थ बॉक्स, लेकिन जो तारू को हर फोर्थ बॉक्स पर, यानी हर चौथे नंबर के ऊपर, हर चौथे डिब्बे के ऊपर जंप करता है। गबरू स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम नंबर 90, और गबरू ने अपनी जंपिंग, यानी कि जिसने कूदना स्टार्ट किया, वो नंबर 90 से स्टार्ट किया है। बनी स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम नंबर 99, बनी ने 99 से स्टार्ट किया है। तारू स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम नंबर 106, और तारू ने स्टार्ट किया है वो नंबर 106 से स्टार्ट किया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कह रही है? अब ये स्नेक कह रहा है ही ऑल दिस जंपिंग इज टिकलिंग मी। कह रहा है कि जैसे ये जो एनिमल्स कूद रहे हैं मेरे ऊपर, इन सब चीज़ों में मुझे गुदगुदी हो रही है। ठीक, और देखिए यहाँ पर मुस्कुरा भी रहा है। जो ये नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं वो है बनीज टेंथ जंप इज ऑन नंबर। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि जो बनी का टेंथ जंप होगा, यानी कि दसवीं बार जब वो कूदेगा तो वो किस नंबर पर होगा। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं, ये आपको खुद करने हैं अंदाजे लगाकर। देखते हैं किस किसके अंदाजे कितने कितने ठीक होंगे। ठीक, नेक्स्ट ये तारू का टेंथ जंप पूछ रहे हैं, लास्ट जो ये गबरू का टेंथ जंप पूछ रहे हैं। ठीक, बनी का टेंथ जंप किस नंबर पे होगा, तारू का टेंथ जंप किस नंबर पे होगा, और गबरू का टेंथ जंप किस नंबर पे होगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर 104 एंड ब्लैंक एंड ब्लैंक। अभी कह रहे हैं गबरू बनी इन दोनों ने जंप किया एक साथ 104 नंबर पे। ठीक, अब उसके बाद जो ये नेक्स्ट कौन से नंबर के साथ जंप करेंगे, और नेक्स्ट कौन से नंबर पे, वैसे जिनके नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन आगे जाकर कौन कौन से नंबर इसी कॉमन होने वाले हैं ये पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक टेबल का, जो कि मैंने बना रखी, मैं आपको दिखाती हूँ उस टेबल से हम कैसे इसको सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक टेबल बना दी, इसके अंदर ना हमने सभी एनिमल्स की जंप्स लिख दिए। यहाँ पर लिखा हुआ है गबरू बनी एंड तारू। ठीक, और ये भी लिख के साथ कि गबरू जो है 7th स्क्वायर पर जंप करेगा, बनी जो है 5th स्क्वायर पर जंप करेगा, एंड तारू है 4th स्क्वायर पर जंप करेगा। ठीक, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, टेबल बनाकर, टेबल बनाएंगे अपनी नोटबुक में, उसके अंदर आप काउंट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट जंप यहाँ आपसे स्टार्ट किया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ। ठीक है, तो आपको टेंथ जंप का अंदाज़ा हो जाएगा कि टेंथ जंप जो है वो कौन से नंबर पर होगी, लेकिन आप ये खुद करेंगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगी। अब जो नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है वो ये है कि 104 पर ये दोनों साथ में हैं, गबरू एंड बनी। अभी पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट कौन से नंबर के साथ में, आप देख सकते हैं 104 एक ये रहा और एक 104 ये रहा। ठीक, दोनों इसके ऊपर साथ में। अब नेक्स्ट कौन से नंबर के ऊपर ये साथ में होंगे, उसके लिए आपको टेबल से मैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट 104 के बाद 111 है, लेकिन यहाँ पर 109 है, तो ये सेम नहीं है। 118 है तो इसके अंदर नहीं है, 125 है वो भी इसके अंदर नहीं है, 132 है तो वो भी इसके अंदर नहीं है, उसके बाद है आपका 139 तो वो इसके अंदर है। तो आप क्या करेंगे, जिनका नेक्स्ट नंबर होगा, नेक्स्ट जंप जो सेम होगी इनकी कॉमन, वो 139 पर होगी। ठीक, जंप होगी वो होगी लास्ट वाले नंबर, जो कि इस स्नेक के अकॉर्डिंग, कि स्नेक के ऊपर नंबर 170 175 तक लिखे हुए, तो वो होगा 174।
जो कि इनकी कॉमन जंप होगी नेक्स्ट। ठीक, तो हमें दोनों नंबर्स मिल गए, तो आप फर्स्ट वाले कॉलम में लिख देंगे 139, सेकंड वाले कॉलम में लिखा आपका 174। चलिए लिखते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट। अब इसके लिए कह रहे हैं तारू एंड बनी जंप ऑन नंबर्स ब्लैंक 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 एंड ब्लैंक। अभी कह रहे हैं तारू और जो बनी है वो कौन कौन से नंबर्स के साथ में जंप कर रहे हैं, तो 4 नंबर्स लिखने हैं यहाँ पर। ठीक, उसके लिए हमें दोबारा से टेबल को देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अपने टेबल की तरफ। इस क्लास में ये है हमारे बनी और ये है तारू। इनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको अलग करने के लिए गबरू एंड बनी से हम यहाँ पर पेन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनका फर्स्ट कॉमन नंबर है वो है 114। ठीक है, आपका फर्स्ट कॉमन नंबर ही आ गया, आई मीन बनी का एंड तारू का 114। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन नंबर है वो है 134, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल कर लेते हैं 134। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन नंबर है वो है हमारा 154। ठीक, 154 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। द लास्ट वन वन इज 174। तो ये हमारे तकरीबन सभी कॉमन नंबर्स हो गए हैं 4। अभी 4 कॉमन नंबर्स को हमें उस ब्लैंक में लिखना है। ठीक, 114, 134, 154 एंड 174। अभी नेक्स्ट कह रहे हैं इज देयर एनी नंबर वेयर ऑल थ्री ऑफ देम जंप। अभी कह रहे हैं क्या कोई ऐसा नंबर है जिसपे तीनों ही जंप करें, मतलब वो तीनों के लिए कॉमन हो। ऐसा कोई कॉमन नंबर है जिसपे तीनों ही जंप करें, तो उसके लिए हमें दोबारा से टेबल चेक करनी पड़ेगी। हालांकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, आप देखिए यहाँ पर गबरू और बनी थे, इनके पास भी 174 आ रहा था, और यहाँ पर तारू और बनी, इनके पास भी 174 आ रहा था। तो ये एक ऐसा कॉमन नंबर है जिसके ऊपर तीनों ने ही जंप किया है, जो कि लास्ट में आएगा स्नेक की बिल्कुल सेकेंड लास्ट नंबर पर जो होगा 174। ठीक, एक बार हम टेबल में भी देख लेते हैं। ये हमारी टेबल है और यहाँ पर देखिए आप 174 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक, तो ये ऐसा कॉमन नंबर है जिसपे तीनों ही जंप करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 174। ठीक, अभी ये कह रहे हैं गैस विल फिनिश द लीस्ट जंप्स इन द लीस्ट जंप्स ब्लैंक इन हाउ मेनी जंप्स। अभी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा एनिमल है इनमें से जो सबसे कम जंप्स में जो इसको कंप्लीट कर देगा, और टोटल कितनी जंप्स में कंप्लीट कर देगा। इसके लिए हम एक बार टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पर जो टेबल है हमारे पास, इसके अंदर सबसे कम जंप्स जो हैं वो गबरू की हैं। अब गबरू की जो कम जंप्स हैं उसकी वजह यह है कि गबरू ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स स्किप किए हैं। ठीक, जैसे कि तारू 4 नंबर्स स्किप करके जंप करता था, बनी जो है वो 5th स्क्वायर पे स्किप करता था, लेकिन जो गबरू वो 7 स्क्वायर को स्किप करके जंप करता था। उससे क्या हुआ, जब वो ज़्यादा लंबी लंबी जंप करेगा तो उससे वो जल्दी पहुँच जाएगा और उसको जंप भी कम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है आपका गबरू, और गबरू ने कितनी जंप्स में कंप्लीट किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने तो काउंटिंग मिस कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल 13 जंप्स में जो है इसकी जो स्नेक की जो स्क्वायर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए इसने, बाकी सबके ज़्यादा ज़्यादा हैं। ठीक, आप टेबल में भी एंड में भी देख सकते हैं, सबसे कम जो हैं गबरू के हैं, यहाँ पर ही फिनिश हो गए, ये बनी के हैं, और सबसे ज़्यादा तारू को जंप करने पड़ा क्योंकि तारू ने जो कम कम नंबर से स्किप किए थे। इसका आंसर है गबरू, आप यहाँ पर लिख देंगे, और कितनी जंप्स भी किए हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका, अभी लिखा हुआ है यहाँ पर लास्ट जंप। ठीक, इसके अंदर क्या है, इन्होंने हमें जंप वैसे से जो मेन चीज़ है, इसके अंदर इन्होंने हमें स्टेप्स जंप करवाए, जैसे प्रीवियस पेज के ऊपर एनिमल्स जंप कर रहे थे, ऐसे आपको नंबर्स को स्किप कर करके जंप कर करके उनको लिखना है। जैसे कि आप फर्स्ट वाला देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जंप टू स्टेप्स फॉरवर्ड। ये कह रहे हैं कि आपको 2 स्टेप आगे जंप करना है। ठीक, फॉरवर्ड यानी आगे, बैकवर्ड यानी पीछे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 104 देन 106 देन 108। ठीक, तो इन्होंने सेकेंड नंबर पे स्किप किया हुआ है, एक एक नंबर बीच में से लगाया था। ठीक, तो 104 के बाद 106 आ गया, 106 के बाद 108 आ गया, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 110। ठीक, 110 यहाँ पे 5 नहीं था, 6 था, 7 नहीं था, 8 था, अब 9 नहीं है, 10 आ गया। 11 को स्किप करके मैं आप लिख देंगे 112। ठीक, फिर आ जाएगा 114। ऐसे आप आगे इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है आपका
यस। नेक्स्ट है आपका जंप टू स्टेप्स बैकवर्ड। अभी कह रहे हैं कि आपको दो स्टेप्स पीछे जाना है। यहाँ पर 162 था, फिर 262 था, फिर 260 हो गया, फिर 258 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 256, देन 254। तो ये हम दो स्टेप पीछे जा रहे हैं, ऊपर वाले में हम आगे जा रहे थे, इसके अंदर हम पीछे जा रहे हैं। अब ऐसे आपको उसको कंप्लीट करना है, दो दो स्टेप पीछे जाकर। इसके अंदर आपको 10 स्टेप्स आगे जाना है, ठीक। 110, 120, 130, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 140, देन 160, 180, ठीक। इसको कंप्लीट करेंगे आप, इसके अंदर आपको 10 स्टेप्स पीछे जाना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 200, देन 190, 180, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 170, 160, 150, ठीक। इसको और पीछे ले जाएंगे आप। अब जो ये नेक्स्ट कह रहे हैं, हम इन्होंने हमें नहीं बताया कि हमें कितना आगे जाना है, कितना पीछे जाना है। इन्होंने सिर्फ हमसे कहा है कंटिन्यू दी पैटर्न, ठीक है, आपको पैटर्न को कंटिन्यू करना है। इन्होंने यहाँ पर हमें दो तीन नंबर्स देकर एक बता दिया कि ये नंबर्स किस फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 550, 560, 570, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर 10 स्टेप्स हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, अभी 70 पे रुको थे, तो हम 580, देन 590, ठीक है, तो 600 आ जाएगा, देन 610। इज इट विजिबल और नॉट? या आई थिंक यस। नेक्स्ट है आपका 910, 920, 930, 940, तो इसके अंदर भी 10 स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। 950 आ जाएगा यहाँ पर, 960, आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपका 209, 207, 205। अब यहाँ पर जो ये दो दो स्टेप्स पीछे जा रहे हैं, 9 से 7 पे आ गए, 7 से 5 पे आ गए। अब यहाँ पर 5 से 3 पर चले जाएंगे हम, 203, देन 201। इसके बाद आपका आ जाएगा 199, और टू स्टेप्स आप पीछे चले जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका 401, 402, 403, इसके अंदर हम सिंगल सिंगल स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। नॉर्मल सीधी सीधी काउंटिंग लिखी हुई, बिना किसी नंबर को स्किप किए हुए, ठीक है। 401, 203, यहाँ पर आ जाएगा 404, देन 405, 406 और 407, ठीक। आप इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपकी लेजी क्रेजी शॉप, ठीक है। ये जो एक शॉप का नाम है लेजी क्रेजी शॉप, इनका सिर्फ नाम ही क्रेजी नहीं है कि हरकतें भी कुछ कुछ क्रेजी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इस शॉप के अंदर क्या बात है। अब ये है, दिस इज द जंगल शॉप, ये जो है जंगल शॉप है। जंगल शॉप यानी कि जाहिर सी बात है, यहाँ के शॉपकीपर और जो कस्टमर्स होंगे वो जंगल के रहने वाले होंगे, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स टाइप लोग होंगे, वाइल्ड या मतलब एनिमल्स होंगे, ठीक। लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स। अब लेजी क्रेजी जो है वो चीज़ों को देता है सिर्फ पैकेट्स में, किस किस के ऑप्टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स। वो सिर्फ पैकेट्स देता है टेंस के, हंड्रेड्स के और लूज आइटम्स के, ठीक। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो ये इन्होंने प्लेस वैल्यू बताई। जैसे कि आपका कोई नंबर है, हम ले लेते हैं यहाँ पर नंबर 436, ठीक। ये आपका नंबर है, मान लीजिए किसी को 436 आइटम्स चाहिए, ये नॉर्मली एक नंबर है। तो यहाँ पर जो है आप इस नंबर को ध्यान से देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है, ये 4 जो है 400 है, यानी कि 100 प्लेस पर जो है 4, ये 400 अपने अंदर रखता है। नेक्स्ट आपका 3 जो है टेंथ स्पेस पर है, इसके अंदर इंक्लूड है आपकी 30। नेक्स्ट 6 आपका 1 स्पेस पर, ये है 6, ठीक। तो वो जो पैकेट्स जो चीज़ें देता है वो इस फॉर्म में देता है, लूज आइटम्स यानी 1 स्पेस के जो नंबर्स हैं टेंथ में और हंड्रेड्स में, ठीक। इस तरीके से चीज़ों को देता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर लिखा हुआ है, तो उसके अंदर चाहे वो कोई सा भी हो, 210 हो, 516 हो, तो इसके अंदर 500 प्लस 10 प्लस 6, ठीक है। तो ये नंबर इसके अंदर इंक्लूड है। ऐसे जो लेजी क्रेजी है वो कुछ इस तरीके से अपने अपनी शॉप से जो चीज़ों को देता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, अ बंच ऑफ 20 बनानास प्लीज। अभी जो मंकी है इससे 20 बनानास का बंच लेने के लिए आया, जिसने कहा सॉरी वी डील ओनली इन 100, 10 and 1, ठीक है। तो ये कह रहा है सॉरी, हम सिर्फ डील करते हैं ऐसे नंबर्स के जो 100, 10 और 1 की उसमें आते हैं फॉर्म, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि उनसे फाइंड आउट हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल विल टेक फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर इन्होंने एनिमल्स में कुछ चीज़ें ली हैं। अब आप देख सकते हैं जो बनी रैबिट है, इसने 143 जो है कैरेट्स ली हैं,
जो एलिफेंट है 210 जो है वो आई थिंक शुगर केन ही वो लिया है, ठीक। मंकी ने 242 बनानास लिए हैं और इस डियर ने 552 जो है ग्रीन लीव्स लिए हैं। अब ये जो है कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक। कैसे फिल करेंगे आप, बी 210 है ये फर्स्ट इन्होंने एग्जांपल दिया था 143, तो 143 के अंदर पैकेट्स ऑफ 100 के कितने जाएंगे, 1 पैकेट जाएंगे क्योंकि इसके अंदर ओनली 100, ठीक। और 10 के पैकेट कितने जाएंगे, तो इसके लिए आपको सेकेंड डिजिट को देखना पड़ेगा राइट हैंड साइड से। सेकेंड डिजिट जो है वो हमारी वो है 4, यानी 10 के पैकेट्स 4 हो जाएंगे, 10 10 10 10, ये टोटल 40 हो गया, ठीक। ये हो गया आपका 100, ये हो गया 40। नेक्स्ट लूज आइटम है आपके 3, तो ये लूज आइटम आ गए 3, तो ये टोटल जाएगा 143। अभी ऐसे पूछ रहे हैं कि 210 शुगर कैन लिए हैं इस एलिफेंट में, तो 100 के पैकेट्स कितने जाएंगे, इतने इनके पास कितने जाएंगे, 2 पैकेट्स जाएंगे क्योंकि इसके अंदर 200 है, ठीक। 2 पैकेट्स जाएंगे 100 के, और 10 के पैकेट जाएंगे कितने, 1, ओनली 1, लूज आइटम एक भी नहीं जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 210, ठीक। नेक्स्ट जो ये आपसे कह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, मैंने यहाँ पर सिर्फ नंबर्स लिख दिए हैं क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है पैकेट्स ऑफ 100 के पैकेट्स कितने आएंगे, 2, यानी कि एक पैकेट अगर ये है तो इसके अंदर 100 शुगर कैन होंगे, और एक और पैकेट ये है इसके अंदर भी 100 शुगर कैन होंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 200 शुगर कैन, ठीक। लेकिन पैकेट कितने जा रहे हैं आपके, 2 जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर जो 10 का पैकेट है, ये पैकेट तो एक होगा लेकिन इसके अंदर सिर्फ 10 होंगे शुगर कैन, ठीक, 10 10, यहाँ पर तो फिर एक भी है नहीं, तो ये टोटल 210 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बनानास के लिए 100 की टोटल है 242, तो 100 के जो पैकेट्स हैं वो हो जाएंगे आपके 2, इसमें भी एक पैकेट में 100 होंगे, दूसरे पैकेट में भी 100 होंगे। 10 के पैकेट हो जाएंगे आपके 4, ठीक है। यहाँ पर आप बीच वाला नंबर देखेंगे, ये वाला, अगर यहाँ पर 4 पैकेट है ना ये, तो हर पैकेट के अंदर 10 10 है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर हमें शो किया, ठीक। और वन स्पेस पर भी आपका आ जाएगा 2, तो ये टोटल इसके पास चले जाएंगे 242 शुगर आई मीन बनानास, ठीक। अब नेक्स्ट है 552 ग्रीन लीव्स, तो यहाँ पर 100 के पैकेट्स जाएंगे आपके 5, और हर पैकेट में कितने होंगे, 100 100 लीव्स होंगे। इसके बाद 10 के पैकेट भी आपके जाएंगे 5, और उसके अंदर 10 10 लीव्स होंगे हर पैकेट में, और फिर उसके बाद आपके लूज आइटम्स में जाएंगे 2 लूज आइटम्स, यानी कि वन स्पेस में जो नंबर है वो आपका 2 है। इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं इतने पैकेट्स के अंदर 100 आइटम्स होंगे, यहाँ पर जो पैकेट्स लिखे हैं, यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं, इन पैकेट्स के अंदर 10 आइटम्स होंगे, और ये जो है आपके लूज आइटम्स हैं, ठीक। लूज आइटम्स यानी कि इनके अंदर अगर 0 है तो यानी एक भी चीज़ नहीं है, 2 है तो यानी कि सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी ओनली 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपका लेजी क्रेजी ऑल्सो हैज अ क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी, ही टेक्स ओनली इन 100 नोट्स 10 नोट्स एंड 1 कॉइन्स। नाउ फाइंड आउट हाउ दे विल पे हिम फॉर व्हाट दे हैव टेकन। अब ये कह रहे हैं जो लेजी क्रेजी है उसका जो पैसे लेने का, सामान देने का तरीका तो क्रेजी है ही, इसी तरीके से उसका पैसे लेने का तरीका भी क्रेजी है। मैंने कहा था ना आपसे लेजी क्रेजी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग शख्स है। अब इसके अंदर देखिए, उसने वंस टेंस और हंड्रेड प्लेस के अकॉर्डिंग जो है उसने चीज़ें दी थी लोगों को, इस तरीके से उसका पैसे लेने का तरीका भी यही है कि वो क्या रहता है, 100 के नोट्स लेते हैं, 10 के नोट्स लेते हैं और 1 के सिंगल कॉइन्स लेते हैं, ठीक है ना, आई मीन 1 के कॉइन्स लेते हैं जितने भी बैठते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि अब इन्होंने जो सामान लिया था उसकी कॉस्ट ये बैठ रही, ठीक। 420 एलिफेंट को देने हैं, 143 बनी रैबिट को देने, 242 जो है मंकी को देने, 55 जो है वो इस डियर को देने, तो अब वो पैसे कैसे लेगा इनसे। अब ये 100 के नोट कितने देंगे, 10 के कितने देंगे, 1 के कितने कॉइन देंगे, ये आपको बताना है, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको सामने, तो ये 100 10 एंड 1, ठीक। अब यहाँ पर 420, तो 420 में 100 के नोट कितने देगा, ये 100 के नोट देगा ये 4 एलिफेंट, ठीक है ना, 4 नोट देगा यानी 400 हो जाएंगे। इसके बाद 10 के नोट कितने देगा, यहाँ पर देखिए 20 है तो यहाँ पर ही 2 नोट्स देगा 10 के। अब यहाँ पर वन स्पेस पर इनका कोई भी नंबर नहीं, 0 है, तो इसको 1 का कॉइन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपका 0 ही आ जाएगा। तो जब ये 100 के 4 नोट और 10 के 2 नोट्स दे देगा, तो इसका यहाँ पर बिल पे हो जाएगा और 420 रुपीज़ जो ये लेजी क्रेजी को पे कर देगा। अब यहाँ पर बनी रेबिट को 143 देने, तो 143 में इसको 100 का सिर्फ एक ही नोट देना पड़ेगा, ठीक। अगर ये 2 देगा तो 200 हो जाएंगे जो कि ज़्यादा होंगे। उसके बाद 10 के नोट्स देगा ये 4,
ठीक यहाँ पर होगा इसके 140, ठीक। लेकिन अभी भी इसके 3 रुपीज़ बचते हैं, उसके लिए वो 1-1 की 3 कॉइन्स दे देगा, ठीक। यहाँ पर है 242, अब मंकी को 242 रुपीज़ देने, तो वो 100 के देगा 2 नोट्स 200 के लिए, 40 के लिए देगा 4 10 के नोट्स, और 2 के लिए देगा 2 कॉइन्स 2 रुपीज़ के, ठीक है ना, आई मीन 1-1 की 2 कॉइन्स देगा। अब यहाँ पर जो डियर हैं इन्होंने लिए थे, इनको देने 55 रुपीज़, तो इनको 100 का एक भी नोट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नहीं तो आप यहाँ पर जीरो लिख देंगे या आप डैश लगा देंगे, यहाँ पर भी आप चाहें तो डैश लगा सकते हैं, चाहे जीरो लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब 55 है ना ये, तो 10 के नोट्स तो देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 10 के 5 नोट्स देंगे, लेकिन 5 नोट्स देने के बाद जो इनकी 50 रुपीज़ पे हुए थे, ठीक 50 रुपीज़ पे होगा, लेकिन अभी भी 5 रुपये बचते हैं ना, 5 रुपीज़ कम है, तो उसके लिए जो ये 5 पॉइंट्स दे देगा 1-1 रुपीज़ का। इस तरह जो है इन सबके बिल पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका हु एम आई मैच विद द नंबर, भी कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे जो है मेरे नंबर से मैच कर दीजिए। इन्होंने यहाँ पे हमें हिंट्स दिए, सामने नंबर्स दिए हमें, उनको मैच करना है। और एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, आई कम बिटवीन 40 and 50 एंड देयर इज अ 5 इन माई नेम, ये कह रहे हैं कि मैं जो है एक ऐसा नंबर हूँ जो 40 और 50 के दरमियान में आता है और मेरे नाम के अंदर 5 भी आता है। तो वो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 40 और 50 के दरमियान आपका आ जाएगा 45 और 45 के अंदर जो 5 भी आता है, तो इन्होंने इसको मैच कर दिया 45 से, ठीक। नेक्स्ट है आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90, कह रहे हैं कि मेरा जो नंबर है, आई मीन मेरे नंबर के अंदर 9 आता है और मैं 90 के बहुत करीब हूँ। अब 90 के बहुत करीब दो ही नंबर होते हैं, एक तो होता है 89 और दूसरा होता है 91। तो अब जाहिर सी बात है इसमें 91 तो मैं देख नहीं रहा, तो नेक्स्ट बचता है आपका 89, तो इसका आंसर रहेगा आपका 89, तो आप उसको 89 से मैच कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका इफ़ यू बीट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी, कह रहे हैं कि अगर आप मेरे अंदर, अगर आप मुझे 4 ओवर हिट करें, यानी कि मुझे 4 ओवर आगे बढ़ा दें, तो मेरे जो एक सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। सेंचुरी मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में सेंचुरी होती है 100, ठीक है ना, तो 100 में 4 कम है, तो 4 ओवर चाहिए सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। 100 से 4 का हमारे होते हैं 96, ठीक। 96 आपका फर्स्ट नंबर पर लिखा है, आप उसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट वन इज आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10, अभी कह रहे हैं कि मैं बराबर हूँ 10 के 10 नोट के। अब 10 का 1 नोट 10 के बराबर होगा, लेकिन 10 के 10 नोट्स जो हैं वो 100 के बराबर हो जाएंगे, तो ये इसको आप मैच कर देंगे 100 से, ठीक। नेक्स्ट वन इज आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी, कह रहे हैं कि मैं सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी हूँ, यानी कि 1.5 सेंचुरी, यानी कि 100 प्लस 50, तो 100 प्लस 50 हो जाएगा आपका 150, तो आप इसको 150 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट वन इज आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 and 97, मैं बिल्कुल दरमियान में आता हूँ 77 और 97 के। आप देखिए 77 और 97 के दरमियान टोटल 20 नंबर्स आते हैं, और 20 का हाफ होता है 10, ठीक। तो यानी कि वो एक ऐसा नंबर है जो 77 से 10 ज़्यादा है और 97 से 10 कम है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो है आपका 87, ठीक। 87 है इसमें, यस देयर इज 87, तो आप इसको 87 से मैच कर दें। इस तरीके से आपके नंबर्स मैचिंग कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी आर दीज, कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है इसके अंदर नोट्स बने हुए, तो 100 100 की 2 नोट्स हैं और 10 10 की 4 नोट्स हैं, तो टोटल हो गई 240, ठीक है ना, 240 आप यहाँ पर लिख दीजिए 240 रुपीज़। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्टिक्स हैं, अब स्टिक्स इन्होंने बता दिया हमें कितने कितने स्टिक्स हैं, ये यहाँ पर 100 100 100 की 3 बंचेस हैं, यानी ये हो गए 300, उसके बाद 10 का बने, तो ये हो गए 310। यहाँ पर लूज स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल हो गए आपकी 319, ठीक है ना, 300 ईयर हैं आपकी और 10 ईयर हैं और 9 लूज स्टिक्स ईयर हैं। इस तरीके से आपको इनको टोटल करना है, ये 200 होगा, ये 10 होगा, 210 और प्लस 2 हो जाएगा आपका 212 ब्लॉक्स। ऐसे आपको नीचे की पिक्चर्स के हिसाब से इसको कंप्लीट करना है, ठीक, 100 स्टेंस और 1 स्पेस के हिसाब से। यस क्लास, तो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए एक पिक्चर बनी हुई, उस पिक्चर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, चलिए इसको रीड करते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम चंदा मामा, ये कह रहा है कि मैं हूँ चंदा मामा। आपने देखा होगा ना जो स्काई में मून होता है, आसमान में चांद होता है, उसको बोलते हैं चंदा मामा, ठीक है। तो ये कह रहा है आई एम चंदा मामा, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स विच ट्विंकल इन द स्काई, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं जो आसमान में जो टिमटिमाते हैं। यस यू आर राइट,
हाँ आप सही हैं, माई फ्रेंड्स आर स्टार्स, मेरे दोस्त जो हैं वो स्टार्स हैं यानी कि सितारे हैं। जाहिर सी बात है आसमान में चांद के पास कौन होते सितारे जो टिमटिमाते भी चमकते भी हैं। वन डे ऑल ऑफ देम कम टू माई होम, एक दिन वो सभी जो है मेरे घर आ गई। आई स्टार्टेड काउंटिंग टू सी हाउ मेनी फ्रेंड्स हैड कम, मैंने क्या किया मैंने स्टार्ट कर दिया उनको गिनना कि आखिर कितने दोस्त मेरे घर पर आए हैं। बट माई फ्रेंड्स वर टू मैनी सो टू रिमेंबर देयर नंबर्स आई डिड समथिंग लाइक दिस, लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो बहुत सारे थे। जाहिर सी बात है स्टार्स तो काउंटेबल नहीं होते ना, उनको काउंट नहीं कर सकते हम। आसमान इतना बड़ा होता है उसके अंदर इतनी दूर दूर तक स्टार्स होते हैं तो हम कहाँ तक उनको काउंट करेंगे। तो इसने जो है एक नंबर, इसने जो है एक आइडिया सोचा और उसके बाद उसने किस तरीके से उनको काउंट करा ये हमें नीचे दिया गया है। ठीक, यहाँ पर चंदा मामा से जब सब मिलने आया तो इसने कहा था हेलो एवरीबॉडी, ठीक है ना, इसने सबको जो है हेलो बोला था। यहाँ पर इसकी काउंटिंग का जो तरीका है वो ये है, मून मामा काउंट्स स्टार्स स्टारी फ्रेंड्स। ठीक है, इसने जो है मून मामा ने अपने स्टारी फ्रेंड्स को कैसे काउंट किया, आई काउंटेड वन स्टार एंड केप्ट वन कार्ड इन माई पॉकेट। अब इसने एक स्टार को काउंट किया और एक कार्ड को अपनी पॉकेट में रख दिया, यानी कि वन टू थ्री जैसे हम काउंट करते हैं ना साथ साथ कोई भी कार्ड उठाकर पिक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज का वन फोर वन स्टार, यानी कि एक कार्ड ये ट्रायंगुलर फॉर्म का एक कार्ड है, ये जो है एक स्टार के लिए था। ठीक है, और टू कार्ड्स मतलब टू स्टार्स। अब ये वन टू थ्री फोर फाइव फोर हाउ मेनी स्टार्स, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फाइव कार्ड्स थे कितने स्टार्स के लिए, अब जाहिर सी बात है वन के लिए वन है, टू के लिए टू है, तो फाइव के लिए फाइव है, यहाँ पर आप फाइव बना देंगे। वेन आई हैड टेन वन कार्ड्स, जब उसके पास टेन वन कार्ड्स हो गए यानी कि टोटल ये वाले कार्ड्स टेन हो गए, तो उसने उसको चेंज कर दिया और उसने उस कार्ड को चेंज करके इस तरीके से कर दिया येलो कलर का, उसके ऊपर लिखा होता टेन, यानी कि अगर मेरे पास अगर एक ये वाला कार्ड है इसका मतलब ये शो कर रहा है टेन स्टार्स को। कार्ड तो एक ही है लेकिन शो कर रहा है टेन स्टार्स को। अगर ये वाला एक कार्ड है तो इसका मतलब एक स्टार है, ये वाला एक कार्ड है इसका मतलब टेन स्टार्स हैं। ठीक, अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये टोटल टेन कार्ड्स जो हैं वो इस एक कार्ड के इक्वल हो गए यानी बराबर हो गए। बट माई फ्रेंड्स केप्ट कमिंग, लेकिन उसके दोस्त जो हैं फिर भी आते रहे, सो आई हैड टू काउंट मोर स्टार्स, माय पॉकेट्स वर गेटिंग फुल। अब इसे क्या करा, आगे आगे और उनको काउंट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या हुआ इस तरह से उसकी पॉकेट फुल हो गई यानी भरने लगी इन वाले कार्ड से भी। ठीक, इन वाले कार्ड से भी भरने लगी। सो व्हेन आई हैड 100 कार्ड्स लाइक दिस, जब इसके पास ये वाले कार्ड 100 हो गए, 10 कार्ड्स की मतलब 10 कार्ड्स इकट्ठे हो गए इस वाले कार्ड्स के। ठीक है ना, 100 नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, आई हैड 10 कार्ड्स लाइक दिस, ये वाले कार्ड्स के 10 कार्ड्स इकट्ठे हो गए, आई चेंज इट विद 100 कार्ड। इसने क्या करा, इस वाले कार्ड को बदल दिया इस कार्ड से, यानी कि 10 ऐसे कार्ड मिलकर एक ऐसे कार्ड के बराबर है। ठीक, इन्होंने यहाँ पर हमें बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 ये वाले कार्ड्स जो हैं वो एक 100 की इक्वल है। यानी कि अगर मेरे पास ये वाला एक कार्ड होगा ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 10 ये वाले कार्ड्स हैं, और अगर इन 10 ये वाले कार्ड्स को मैं इक्वल करूँ तो ये टोटल 100 कार्ड्स होंगे। 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें, तो 10 करके 10 काउंट करके जो ये टोटल हो जाएंगे 100 कार्ड्स के। बट आई हैव सो मेनी मेनी फ्रेंड्स देट माई पॉकेट कैप गेटिंग फुल, जस्ट सी हाउ मेनी कार्ड्स आई हैड। अभी कह रहे हैं कि मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं कि मेरी जो पॉकेट है वो भरने लगी भरती रही, और जो है अभी कह रहा है कि देखिए मेरे पास कितने सारे कार्ड्स हैं। अब इसने अपने कार्ड्स की जो यहाँ पर नुमाइश लगाई वो हमें देखते हैं। उन्होंने कहा ऑल राइट एवरीबॉडी इन अ लाइन वी विल प्ले अ गेम, ये कह रहा है ठीक है सब जो एक लाइन में आएंगे हम एक गेम खेलेंगे। तो यहाँ पर सारे स्टार्स एक साथ आवाज लगाई कि पी, यानी कि बहुत खुशी गेम खेलेंगे अपने फ्रेंड यानी मोहन मामा यानी चंदा मामा के साथ। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका विच कार्ड्स विल आई हैव इन माई पॉकेट इफ आई हैव काउंटेड अप टू। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ काउंटिंग्स दी हैं, उस हिसाब से इनकी पॉकेट में कौन कौन सा कार्ड होगा, जैसे कि 19 अगर स्टार्स हैं तो इनकी पॉकेट में होगा एक 10 का कार्ड और 9 लूज यानी 1-1 के कार्ड से, टोटल हो जाएंगे 19। नेक्स्ट यहाँ पर 21, तो 21 के लिए यहाँ पर 10-10 के टू कार्ड्स होंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर बना देंगे, ये तो हो गया आपका 10 का एक कार्ड, ये नेक्स्ट हो गया आपका 10 का सेकंड कार्ड, और फिर 1 के कार्ड के लिए आप ये वाली शीट बना देंगे जैसे कि इन्होंने दी थी। टोटल हो गई 21, 10-10 और प्लस 1 21। नेक्स्ट है 95 के लिए क्या होगा, ये वाले कार्ड्स होंगे 9-10-10-1, तो आप यहाँ पर ये 9 कार्ड्स बना देंगे।
और फाइव रहेंगे आपके लूज कार्ड्स यानी कि ये वाले वन वन वाले वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये तो हो गए आपके टेन टेन के कार्ड्स। ठीक, मैं यहाँ पर रफली बना दूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप बहुत सफाई से बनाएंगे प्यारा प्यारा। और ये आपके वन वन के कार्ड्स हो गए, तो ये टोटल हो गए 95। ठीक, नेक्स्ट 201 था, तो 201 के लिए यहाँ पर टू कार्ड्स हो गए थे 100 वाले और वन कार्ड हो गया था आपका सिंगल वाला। अब नेक्स्ट 260, तो इसके लिए आपके फिर से टू कार्ड जाएंगे 100 वाले और फिर 60 है, तो फिर ये वाले कार्ड्स आपके जाएंगे 6 10 10 वाले। ठीक, इसमें आपका कोई लूज नंबर नहीं है, रिवर्स प्रेस पे जीरो, तो आपको ये ट्रायंगुलर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं। तो ये 260 हो गए टोटल, ऐसे आपको नीचे कंप्लीट करना है। 300 है तो ये वाले कार्ड इसमें 3 हो जाएंगे, 306 है तो ये वाले कार्ड 3 होने के बाद 6 आप लूज कार्ड्स बना देंगे ट्रायंगुलर फॉर्म वाले। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है कि अगर उसकी पॉकेट में इतने स्टार्स हैं या उसके पास इतने स्टार्स हैं तो कार्ड कितने होंगे उस हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट है आपका When I had 10 cards in my pocket, यानी कि कह रहे हैं जब मेरे पास होते हैं 10 के 2 cards देख सकते हैं, I knew I had counted 20 stars, इसका मतलब ये कि मतलब ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं काउंट कर चुका हूँ 20 stars, ठीक है ना। 10 के 2 cards से टोटल हो गए 20। Now you tell me the number of stars counted in each case, अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी केस आए हैं जितने भी इन्होंने कॉलम्स में हमें दिए हुए उस हिसाब से मेरे पास कितने कितने स्टार्स मैंने काउंट किए होंगे। राइट द आंसर्स इन द ब्लैंक स्पेस, अभी कह रहे हैं जो नीचे ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर आपको इसके आंसर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 के 2 कार्ड से टोटल हो गए 20 स्टार्स। अब यहाँ पर देखिए 10 के टोटल कार्ड से यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्टली 2। नेक्स्ट अब 1-1 के कार्ड है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि इन्होंने 26 स्टार्स काउंट करे तो इनकी पॉकेट में हो गए इतने कार्ड्स, 10 के 2 कार्ड्स और 1-1 के 6 कार्ड्स। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 100 के 3 कार्ड्स, यानी कि ये हो जाएगा 300। ठीक, 10 का कार्ड है 1 और देखिए यहाँ पर सिंगल नंबर का कोई कार्ड नहीं तो उसके लिए आ जाएगा यहाँ पर 0, तो ये टोटल रहेगा 310, यानी 310 के लिए इनकी पॉकेट के अंदर होंगे 3 कार्ड्स ऑफ 100 एंड 1 कार्ड ऑफ 10। ठीक, तो ये टोटल हो गए 300 कार्ड्स के, 310 कार्ड्स के लिए जो नंबर है वो ये। नेक्स्ट है आपका 100 का जो कार्ड है आपका वो है 1, यानी कि 100 और 10 की कार्ड से 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 यानी 130। और फिर यहाँ पर 1 का कोई लूज कार्ड नहीं, यानी कि सिंगल स्टार वाला कार्ड नहीं है ट्रायंगुलर फॉर्म वाला, तो यहाँ पर फिर से आपका आ जाएगा 0, तो ये टोटल रहेगा 130। यानी कि अगर मोहन मामा की पॉकेट में इतने कार्ड से 100 10 10 10, तो टोटल उनके पास उन्होंने जो काउंट करें स्टार्स वो 130। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए तो कितना ईजी है, यहाँ पर 100 के 4 कार्ड्स हैं और कोई और सा कार्ड नहीं, यानी कि उन्होंने 400 स्टार्स काउंट कर लिए, तो इसके लिए इनकी पॉकेट में 400 के कार्ड्स हैं। ठीक, अब ऐसे आपको उसको काउंट करके लिखना है, पहले आप 100 वाले लिखेंगे फिर आप 10 वाले लिखेंगे उसके बाद आप लूज नंबर्स वाले लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर पहले 100 वाले लिखेंगे, इसमें 10 वाला तो है नहीं, तो आप 10 वाला कार्ड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लूज नंबर्स वाला लिखेंगे। ठीक, ऐसे यहाँ पर आगे आगे लिखे हुए हैं ये। इसके बाद ये इस क्लास, तो ये करने के बाद जो आपकी इंटेलिजेंट आंट है वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास 100 100 100 इतने सारे 100 के कार्ड्स होंगे टोटल, तो हमारे पास कितने नंबर्स हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ पर 100 के 10 कार्ड्स होंगे तो टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे आपको यहाँ पर लिखना है अपने अंदाजे से, कि यानी कि 100 के 10 कार्ड्स होंगे तो हमारे पास टोटल कितने स्टार्स के नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मोहन मामा ने कहा था ना कि हम लोग जो एक गेम खेलेंगे, तो इन्होंने जो है यहाँ पर ऐसे 10 स्टार्स का सर्कल बनाकर जो है सर्कुलर फॉर्म में एक गेम खेलते हैं। अब ये उनका लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको अंदाज़ा लगाकर बताना है कि हाउ मेनी स्टारी फ्रेंड्स आई हैव इन ऑल। मून मामा ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरे कितने तारे दोस्त हैं, ठीक है टोटल। तो अब आपको यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगाना है, वैसे तो मैं आपको फिर भी बता चुकी हूँ कि जो स्टार्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, आप स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। तो मून के जितने भी फ्रेंड्स हैं हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो टोटल कितने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर पेज नंबर 28 पर आपका चैप्टर सेकंड फिनिश होता है, जिसके अंदर आपने प्लेस वैल्यू नंबर फन विद नंबर्स जो चैप्टर था वो आपको जिसके अंदर प्लेस वैल्यू को एक्सप्लेन किया गया था वो फिनिश होता है। आपका बुक पर जो मैंने आपको बुक में समझा दिया, आप जो आपको नोटबुक बोलते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, ये क्लास, तो ये आपका नोटबुक, इसके अंदर क्या करना है आपको,
यहाँ पर लिखा हुआ है डू द वर्क ऑफ जंपिंग स्कूल इन योर नोटबुक फ्रॉम पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में जो जंपिंग स्कूल का वर्क था जिसके अंदर आप टू स्टेप्स फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैकवर्ड कर रहे थे, वो वाला काम आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक, पेज नंबर 22 बुक में से देखकर। अब नेक्स्ट है आपका डू द मैचिंग ऑफ पेज नंबर 24 इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, पेज नंबर 24 के ऊपर जो मैचिंग दी गई है आपको उसको अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद है आपका डू द वर्क ऑफ पेज नंबर 27 एंड 28 इन योर नोटबुक। इसके अंदर जो था आपका कार्ड्स वाला था, वो जो स्टार्स काउंट किए थे ना, यस, वो वाला काम करना है आपको पेज नंबर 27 और 28 से अपनी नोटबुक में। उसके बाद जो नेक्स्ट मेन काम है आपका, जो कि बुक में नहीं आपको मैंने दिया है, वो करना है आपको, यस। तो ये है आपका राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स। यहाँ पर ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू किस लिखेंगे आप, 100, 10 और 1 के हिसाब से। यहाँ पर एक नंबर है 982, इसको मैं सॉल्व करके आपको खुद बता देती हूँ। यस, तो यहाँ पर जो नंबर है 982, इसको सॉल्व करके मैं आपको खुद बता देती हूँ कि इसमें से कौन सा 100 प्लेस पर है, कौन सा 10 पर है और कौन सा 1 पर है। तो आपको ये चेक करने के लिए फर्स्ट स्टार्ट करना पड़ता है राइट हैंड साइड की तरफ से, जैसे कि यहाँ से, यानी कि 2 से। ये जो 2 है आपका, ये 1 प्लेस पर है, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है 8 जो है आपका 10 प्लेस पर, आप यहाँ पर लिख देंगे 8। एंड द लास्ट वन इज़ 9 जो आपका 100 प्लेस पर है। यहाँ पर आपका ये आ गया, इसके यानी कि इस नंबर 982 के अंदर 9 जो है वो 100, यानी कि जो अगर आप 100 की कार्ड्स काउंट करेंगे टोटल 9 कार्ड्स होंगे, और 10 के कार्ड्स काउंट में टोटल 8 होंगे 980, और जो सिंगल कार्ड्स होंगे आपके 2 होंगे, तो ये जाएंगे 982। ऐसे 6 जो है वो 1 प्लेस पर आ जाएगा सेकंड नंबर में, 8 जो है वो 10 पर आ जाएगा, एंड 4 जो है वो 100 पर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है और अपनी नोटबुक में करना है, ठीक। तो ये है आपका होमवर्क, यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर खत्म होता है और आज की वीडियो भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।